पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है 3 दिन, तो अब तो काउंटडाउन जो है वो भी बिल्कुल शुरू है, और इसके साथ एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। पूरी कॉम ऐसे लग रहा है कि या तो क्रिकेट लवर है या फिर क्रिकेट के गाने जो बनाने हैं उसके शौकीन है। अब तो माहिर हो गए, इतने गाने आ गए। चंद रोज कबल PSL का जो ऑफिशियल तराना था वो जारी हुआ था, और कुछ कह रहे थे कि बहुत अच्छा गाना है, कुछ कह रहे थे कि नहीं इतना अच्छा गाना नहीं है। आप किन लोगों में थे? अच्छा, मैं गाने के लिहाज से, मैं सिर्फ गाने की बात करूं, तो मुझे लगा कि क्रिकेट का गाना नहीं लग रहा था, मुझे उस गाने बनाने के ऊपर एतराज था। और मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगा, मैं मतलब जब जिक्र किया लोगों का, आपको नसीबोलाल पसंद नहीं आई, मैंने कहा मुझे सबसे अच्छा पार्ट भी नसीबोलाल साहिबा का ही लगा उसके अंदर। लेकिन वो अपनी एक राय है, आप राय रख सकते हैं। क्रिकेट मिसिंग थी, यानी आपको मुझे लगा कि क्रिकेट मिसिंग थी, तो अब वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्रीन पे इस वक्त आप गाना देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलाल आसिफ ने बनाया है। इसमें क्रिकेट ही क्रिकेट है और साथ म्यूजिक भी है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, और हर टीम का उन्होंने इसके अंदर नाम लिया है। मैंने गाना सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा फेवरेट जो गाना 3 वैसे अब तक मैं सुन चुका हूँ, ये तराना मेरा सबसे फेवरेट है। और ये मैं बड़ा साफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर टीम का जिक्र किया और हर टीम के बारे में उन्होंने बताया। ये है PSL, ये भी बहुत मजे की, वेरी गुड। और इससे देखिए कितना हमें पता चलता है कि मल्टी टैलेंटेड ना, कि क्रिकेटर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सिंगर के तौर पर उन्होंने अपना गाना भी जारी किया। सो आई एम थिंकिंग कि बिलाल आसिफ क्रिकेटर ज्यादा अच्छे हैं कि सिंगर ज्यादा अच्छे हैं, ये हम फैसला नहीं करेंगे। हम कुछ भी कहेंगे तो वो बुरा मना सकते हैं क्योंकि बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग बिलाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इतना जबरदस्त गाना आपका, सो मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि आप क्रिकेटर ज्यादा अच्छे हैं, गाना ज्यादा अच्छा गाया आपने, आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी मुझे भी जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा लगा गाना। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने पाकिस्तान और PSL का ये जो एंथम लिखा हुआ, तो बड़ा अच्छा रहा और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों की तरफ से। बिल्कुल ठीक है बिलाल, आपको सियालकोट रीजन से हम फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी गेम हमने देखी, लेकिन ये टैलेंट आपका हमने पहली बार देखा है। ये आइडिया आपको कैसे आया? क्या आपको ऑफिशियल तराना पसंद नहीं आया था कि आपने फैसला किया कि भाई मुझे भी अपना बनाना है, या पहले से काम जारी था? नहीं, ये मेरा 8-10 महीने से, एक साल से तकरीबन ये मैंने लिखा हुआ था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे मैं वर्कआउट कर रहा था पहले से। और दूसरा ये कि जो PSL 6 का ऑफिशियल एंथम है वो भी बहुत अच्छा है, और वो भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये मैंने एक एज ए कैरेक्टर, आपको पता है कि थोड़ी सी एक कंट्रीब्यूट किया, और एक थोड़ा सा आप कह लें कि छोटा सा एक गिफ्ट PSL फैंस के लिए। और मैंने ये सोचा हुआ था पहले से कि यार मैं एक एंथम बनाऊंगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है बिलाल, आप बता रहे थे हमें कि आपने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, तो यही टाइमिंग थी आपने जिस पे लॉन्च करना था, और दूसरा आपने लिखा भी खुद, ये तो एक और टैलेंट आपका सामने आ गया। जी बिल्कुल, टाइमिंग तो ये सोचा नहीं था, लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि जब हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा था तो उसमें हम लोग सब बायोस्फीयर बबल में थे, तो जब मैं फ्री हुआ वहाँ से तकरीबन यकम को आया, और अगले 1-2 दिन में मैंने इसको रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि टाइम फ्री नहीं थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, अदरवाइज शायद ये थोड़ा पहले कर लेता मैं। अच्छा, इसकी जो आपने, हम वीडियोग्राफी की बात कर लें, लाहौर कले को आपने चूज़ किया, अंदरून लाहौर को आपने चूज़ किया, इसकी कोई ख़ास वजह थी? फिर आपने इतने प्यारे काफ़िए इस्तेमाल किए, जब आप लिख रहे थे आप सिकंदर के साथ जोड़ के लाहौर कलंदर को जोड़ रहे हैं, पेशावर जलमी के साथ नरमी को जोड़ रहे हैं, तो इतने प्यारे काफ़िए कहाँ से ढूँढे आपने? ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये तकरीबन 8-10 माह से पहले मैंने लिखा हुआ था, तो जो PSL में आपको पता है हमारी जो टीमें हैं PSL की, वो बहुत एनर्जेटिक टीमें हैं, तो मैंने यही कोशिश की है कि जो PSL की टीमों में जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो उजागर की जाएं, वो बताई जाएं। और पाकिस्तान की, आपको पता है कि पाकिस्तान का ब्रांड है PSL, तो पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है ये लोगों के लिए, वो भी इस चीज़ में मैंने कोशिश की है मेंशन करने की। छोटी छोटी सारी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे PSL के, और दूसरे जो लोग इतना पसंद करते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा इस चीज़ में ऐड ऑन करने की कोशिश की है, और बड़ा अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सही है, ये प्लान बी हो सकता है, क्योंकि 2011 में डेब्यू हो रहा है आपका, फिर 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ODI में डेब्यू हो रहा है, और अब भी आके 2021 में देखा गाने में भी, सिंगिंग में भी डेब्यू हो रहा है, तो क्या ये प्लान बी है? प्लान बी ऐसे आपको पता है कि
सोच के तो कोई बंदा नहीं आता सोच के, लेकिन ये है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि मैं अच्छी चीज करूं अगर कुछ भी करूं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक एंथम मैंने लिखा हुआ है, उसको भी उस पर भी वर्कआउट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे जैसे 23 मार्च या अगस्त को अगस्त को तो अपना एक एंथम, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं जो पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट कर सकता हूं इस फील्ड में अगर कुछ करूं तो मुझे खुशी होगी कि मैं अगर पाकिस्तान के लिए अच्छे एंथम तैयार। बिलाल, हम आपको अब एंथम बहस में ज़रा शामिल करने लगे हैं। एंथम बहस में इस तरह शामिल कर रहे हैं कि अपने गाने को, अपने एंथम को निकाल के आपको पीएसएल का कौन सा तराना है जो सबसे ज्यादा पसंद है? जी देखें, वो अपनी जगह सब जो है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे कोई सच एक कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सारे तराने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे अपने पीएसएल के, हमारे पाकिस्तान के जो फनकार हैं उन्होंने उसमें वर्कआउट किया और सबका अपनी अपनी जगह पे बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट है और बहुत अच्छा किया सब लोगों ने। दे आर वेरी प्रोफेशनल, तो मुझे तो सब अच्छे लगते हैं जो भी सुनो। आपको भी पता कि म्यूजिक आपको पता कि मोहब्बतें बिखेरता है, लोगों के दिलों को जोड़ता है, तो सिर्फ इस चीज़ को इंजॉय करें सुन के। और आप सब लोगों से यही दुआ है कि सब कोशिश है मेरी कि सब लोग खुश रहें, एंजॉय करें म्यूजिक को। वेरी पॉजिटिव, मैं देना चाहूँ ये उस बहस में शामिल। वेरी पॉजिटिव, वेरी हेल्दी। अच्छा ये भी बताइएगा बिलाल के आपने रैपिंग रैपर के तौर पे वो गाया, सो ये बड़ा एक लेटेस्ट ट्रेंड है गाने में, सो आपने उसमें भी जो पकड़ा है वो एक बड़ा लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ा है। हु इज योर फेवरेट सिंगर? देखिए ऐसे फेवरेट सिंगर आप कह लेंगे, मेरा वैसा कोई नहीं था, लेकिन मेरा ये स्टाइल शायद वैसा नहीं था, लेकिन ये डिमांड थी इस एंथम की जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ को करने के लिए। पहले मैंने इसकी प्रैक्टिस की, तो उसके बाद जाके उन्होंने मुझसे ये चीज़ आप कह लेंगे ये करवाई, लेकिन ये बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा आप कह लेंगे, इसका आउटपुट बहुत अच्छा रहा, तो इस वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा ये करके और म्यूजिक बड़ा अच्छा दिया उन लोगों ने, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम माई टीम कि बहुत एफर्ट्स किए उन लोगों ने, तो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, कुछ सबसे ज्यादा एक और जरूरी चीज मैं बताऊंगा इसमें जी, इसमें जरूरी चीज ये कि क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो चीज होती है उसके पीछे एक चीज आपके लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो मैं ये 8-10 महीने से पहले मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे अपनी वाइफ को सुनाया ये, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला यार ये मैंने पीएसएल के लिए लिखा है, तो उनको पता है कि पाकिस्तान के लिए मेरी मोहब्बत कितनी है, मैं क्या दिल में रखता हूँ पाकिस्तान के लिए, अलग मोहब्बत, तो ये एक मोहब्बत में पीएसएल की मोहब्बत में मैंने लिखा है चीज़ों में जो हमारी टीमों में इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो मैंने उनको सुनाया, तो उन्होंने अच्छा। मुझे फोर्स किया, बेसिकली उनकी ये सारी कोशिश कह लेंगे उनका है ये सारा काम अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स किया कि यार ये बहुत अच्छा है, आप इसको रिकॉर्ड करवाओ, ये चीज़ें बड़ी सही रहेगा, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है आपने। नहीं जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने बिलाल। और बस आखिर में सिर्फ आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि सारी टीम्स पाकिस्तान की हैं, सारी टीम्स पीएसएल की हैं, हमें हर टीम से मोहब्बत है, लेकिन आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये आपने लाजमी बताना है। जी देखिए, फेवरेट टीम में ऐसा तो मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जो टीमें देखी हैं ना वो सारी बहुत बैलेंस टीम में है, और जितने भी प्लेयर्स हैं टीम, क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली भी, आपको पता है कि मैं खुद भी खेलता हूँ, तो मैं पर्सनली भी जब जिस प्लेयर को भी देखूँ, जिस टीम को भी देखूँ, तो वो बहुत मजबूत टीमें हैं, सब टीमों का बैलेंस बहुत अच्छा है, बैलेंस टीमें हैं। तो आपको पता है ये वेदर भी मार्च का जो हमारे पाकिस्तान में है बड़ा गुड वेदर है क्रिकेट के लिए, तो पीएसएल में जो विकेट्स भी बनेंगी मेरे ख्याल से 2 विकेट्स बनेंगी और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह पीएसएल देखकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बिलाल। के गाने का भी बहुत मजा आया और इस बात का भी बहुत मजा आया कि हमारे नौजवान जो हैं कितने मल्टी टैलेंटेड हैं, और जिस तरह करेज के साथ, हिम्मत के साथ आपने अपना ये अदर साइड जो है इसको भी मुतारिफ कराया है, ये भी बहुत अच्छा लगा। कमाल है, कमाल है। सियालकोट स्टेलियन से मैं इनको देखता था कि खेलते थे, पाकिस्तान की तरफ से भी खेले, और ये बिल्कुल नया अंदाज है और बड़े आराम से उनका जी के सारे तराने अच्छे हैं, सारी टीम्स अपनी है, वही वाला मामला, लेकिन पीएसएल जो वो नहीं फंसे, बड़े ध्यान से निकल गए, 10 माह की जो उनकी मेहनत थी नजर आ रही थी। बिल्कुल सही।